तो कैसे हूँ, मैं हूँ राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल यार विद्रस। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो सुपर स्प्लेंडर इन भाई ने खरीदी थी सेकंड हैंड, और जब सेकंड हैंड ली थी तो गाड़ी मतलब मस्त चली, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट किसी मैकेनिक से इन्होंने क्लच का काम कराया था, क्लच का काम करने के बाद से गाड़ी के अंदर हथौड़े जैसी आवाज़ आने लग गई। और जहाँ तक मुझे लगता है इस गाड़ी का प्रॉपर इंजन का काम होगा और इंजन का काम है, बट इसके अंदर जो हथौड़े की आवाज़ आ रही है, जो हथौड़े की आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ की है एक्चुअली, मैं ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में पूरी शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको वो इंजन में आवाज़ सुनाता हूँ जो हथौड़े जैसी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हथौड़ी जैसी आवाज़ आ रही है। गाड़ी कंडीशन देखिए आपको पता लगी होगा गाड़ी बहुत प्यारी है और इसका प्रॉपर इंजन का काम होगा, क्योंकि इंजन का काम गाड़ी में एक्चुअली मांग रही है, प्रेशर कम है प्लस इंजन में और भी बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक हथौड़े का साउंड सुनाता हूँ जो आ रहा है, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है और कौन सा हुआ है, और आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है कभी लाइफ में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको फटाफट से सुनाता हूँ साउंड। भाई देख लिया होगा आपने, एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ, ये देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखो स्पार्क प्लग। जितने भी बाहर की मैकेनिक मेरे पास गाड़ियाँ आती हैं, अगर ओके ओके में 100% ज़्यादातर जो प्लग होते हैं लोकल ही निकलते हैं। कल भी एक गाड़ी है जिसमें भी लोकल निकला था, तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई प्लग तो अभी भी मैंने नया डाला है, इसको चेंज क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा भैया जो लोकल आपने प्लग डलवाया उसका धोखेधड़ी है, कोई फायदा नहीं, रास्ते में दिक्कत देगा, परेशान करेगा, इससे बढ़िया उसको डाल दो और ये प्लग वैसा अपने डिग्गी में डाल दो ताकि इमरजेंसी में काम आए। तो अभी सारे काम आपने देख लिए, इंजन की आवाज़ आपने सुन लिया कैसी इंजन की आवाज़ आ रही है, तो जब तक मैं इंजन खोलता हूँ जब तक आप मुझे कमेंट करके बताना, और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा इसमें क्या क्या मिस्टेक हुई हैं, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में ARV सागर वाले चैनल को भी फॉलो कर लो, उस पर भी रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ ठीक है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी नॉलेज मैंने वीडियो डाल रखी है, नॉलेजेबल वीडियो। तो फटाफट ज़्यादा देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले हम खोलेंगे इसका इंजन ऑयल का नट। देखो कभी भी अगर हम इंजन फिट करना चाह रहे हो गाड़ी का या इंजन खोलना चाह रहे हो तो आपको इंजन ऑयल के नट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उससे ये होता है कि हमें पता लग जाता है इंजन ऑयल का बोल्ट लूज़ है या टाइट है और इंजन ऑयल कितना निकला है, क्योंकि इंजन खुलने के बाद दिक्कत होती है इंजन ऑयल गिरने की ठीक है। तो फटाफट से इसका फटाफट से टाइमलेस में जैसे कि आपको दिख रहा है इसका इंजन उतारते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हैं, और उसके बाद इंजन खोल के फिर आपसे बातें करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी नॉलेज मैं आपको इसमें वीडियो में देने वाला हूँ। वो जो हथौड़े का साउंड आपने सुना था, जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको इंजन स्टार्ट करके सुनाया था, हथौड़े का गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आ रही थी, वो जो गड़गड़ आवाज़ देखो यार दो तरीके की आवाज़ होती है, तो टक 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 आवाज़ होती है, होती है गड़गड़ गड़गड़ आवाज़। टक टक आवाज़ पिस्टन लूज़ होने पर होती है और गड़गड़ आवाज़ क्रैंक लूज़ होने पर होती है। अब इसकी जो क्रैंक की शाफ्ट है वो मैंने चेक करी, अब इस क्रैंक की शाफ्ट में ध्यान से देखो आप बारीकी से, ये प्ले जो मैं इशारा करके समझा रहा हूँ ये प्ले इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है, देख रहे हो। इससे ये साबित होता है कि इसकी जो क्रैंक के बैरिंग हैं ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। अब क्रैंक के बैरिंग भी डलवाने के बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो क्या रीज़न होता है, ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, क्योंकि आप वीडियो स्किप ना करो। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ ये प्रॉब्लम आई क्यों। देखो यार कभी भी सुपर स्प्लेंडर गाड़ी का इंजन फिट करा रहे हो या ग्लैमर गाड़ी का इंजन फिट करा रहे हो तो आपको ध्यान देना है उसके बैरिंग को, बैरिंग के ऊपर, क्योंकि क्रैंक के बैरिंग और सीट में जितने भी चैम्बर के बैरिंग लगे होते हैं, शाफ्ट में बैरिंग लगे होते हैं, इन सभी बैरिंगों को चेंज करना होता है 40,000 किलोमीटर पर। अगर आप ये चेंज नहीं करते हो, आप ये सोचते हो कि मेरी गाड़ी स्मोक नहीं कर रही है, धुआं नहीं दे रही है, इसका मतलब मेरी गाड़ी ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, वाइब्रेशन बढ़ जाती है धीरे धीरे गाड़ी में और पुरानी और नई में अंतर आने लगता है, तो आपको ये चीज़ें चेंज करानी होती है। कंपनी भी अलाउ करती है कि 40,000 किलोमीटर ही इंजन चल पाता है हीरो गाड़ी का, और अब जो गाड़ी आ रही है हीरो की उनमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं मैं मानता हूँ, बट अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो है ओल्ड स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मोटरसाइकिल है। तो इसका जो इंजन है वो खोल दिया है हमने फाइनली। और अगर बात की जाए जिस बात की मैं आपको बता रहा था कि इसके इंजन में कितनी दिक्कतें होती हैं जब इंजन आप फिट कराओ खोलने पर, तो आपको किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ है हेड के वाल्व, ओके, हेड के वाल्व पे ध्यान देना है, ओके। हेड के वाल्व अगर लीक होंगे या उसके गाइड ख़राब होंगे या उसकी जो हेड के वाल्व हैं वो आप पुराने डलवा देते हो तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा पिएगी गाड़ी,
प्लस आपकी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी, प्लस आपकी गाड़ी में ओवर रेस की प्रॉब्लम आएगी, ट्यूनिंग प्रॉपर सेट नहीं हो पाएगी। काफ़ी सारे मैकेनिक तो ऐसे होते हैं ट्यूनिंग के दौरान आपकी हेड के अंदर से पानी को जनरेट कर देते हैं, मतलब साइलेंसर से पानी निकाल देते हैं, तो वो बहुत कम मिलते हैं ऐसे मैकेनिक। ऐसी बात नहीं, मैं हम भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई, बट प्रॉपर तरीके से ट्यूनिंग हेड का काम होने के बाद ही हो पाती है। ये हमारी क्रैंक है, इस क्रैंक का कस्टमर ने काम कराया हुआ है, और इस क्रैंक के अंदर आप ये जो कनेक्टिंग रॉड देख रहे हो ये नई डली हुई है, बट कनेक्टिंग रॉड तो डलवा दी है, बट कनेक्टिंग रॉड के साथ साथ कनेक्टिंग पिन और कनेक्टिंग रोलर नहीं डले हुए हैं। तो इस क्रैंक का प्रॉपर दोबारा काम होगा और इसके मेन बैरिंग डलेंगे। अब ये है हमारा इसका मेन बैरिंग, ये मेन बैरिंग है, ओके। कभी कभी क्या होता है, ये जो मेन बैरिंग आप देख रहे हो, ये मेन बैरिंग भी डलवाने के बाद आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपकी कोई सी भी बाइक है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, पिस्टन विस्टन सब चेंज करके देख चुके हो आप, उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, तो समझ जाओ आपकी गाड़ी के क्रैंक के मेन बैरिंग की सीट लूज़ है। यानी कि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मतलब जो चैम्बर होते हैं हमारी बाइक के इंजन के, जो चैम्बर होते हैं, उस चैम्बर की सीट लूज़ होती है बैरिंग की। उस बैरिंग की सीट को हीट कराना पड़ता है खराद वाले से, और वो हीट करते के साथ ही जो स्ट्रेच हो जाती है सीट, वो वापस अपनी जगह आके सेट हो जाती है, जिससे आपकी अपनी गाड़ी मस्त होकर चल सकती है। बट कंपनी में ज़्यादातर क्या होता है, चैम्बर को नए डालते हैं राइट और लेफ्ट। अब ये है हमारे हाथ में वाल्व, और ये दोनों के दोनों पुराने वाल्व हैं, इसमें नए नहीं डाले हुए हैं। उसके अलावा जो हमारा पिस्टन है, वो पिस्टन नया डाला हुआ है, बट यार देखो अधूरा काम किया हुआ है, और अधूरे काम का अधूरा नतीजा होता है। आपने चाहे काम 2000 में करवाया हो, चाहे आपने काम 4000 में करवाया हो, एक बात मैं आपसे ऐसा शेयर करूँगा, अगर ये मेरी बात सही है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जो जो इस वीडियो को देख रहा है वो मैकेनिक अगर है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ कैसा भी हुआ है, कि कस्टमर आपसे बहस कर रहा है सिर्फ कुछ पैसों के कम कराने के लिए, मतलब कस्टमर आपसे बोल रहा है कि नहीं मैं बिल में इतना दूंगा, नहीं मैं बिल में उतना दूंगा, नहीं मैं बिल में इतना दूंगा। अगर ऐसा बोल रहा है कस्टमर, तो उसी वक्त उसे मना कर दो कि भाई आज के बाद मेरे पास तू गाड़ी मत लेके आई हो, क्योंकि तेरी गाड़ी का मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं काम अच्छा करना जानता हूं, पैसे कम करना नहीं जानता, क्योंकि मैं काम अच्छा करूंगा तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे, कॉमन सी बात है। काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि आपके भी रेट ज़्यादा, रेट ज़्यादा। तो भाई अगर ओरिजिनल काम को मेरे से कंपेयर करोगे, मेरे काम से किसी लोकल दुकान से, तो मेरे रेट ज़्यादा हैं। अगर किसी ऑथोराइज सर्विस सेंटर से कंपेयर करोगे, तो मेरे रेट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। अब इसके वाल देखो कितनी बुरी तरह कटे हुए हैं, और इसका कहने को इंजन का काम हुआ है कुछ दिनों पहले। इसके हेड की हालत देखो, बताओ यार, मेरे को तो बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है और बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। अब 2 दिन बाद इसकी गाड़ी जो है हमारी रेडी हो चुकी है, क्योंकि टाइम लग जाता है गाड़ी में, सीट वगैरह इसकी बनाई हुई है, प्रॉपर काम हुआ है। तो मैं सारे काम और सारी बातों को साइड में रखते हुए सबसे पहले इसका इंजन का साउंड सुनाता हूँ, ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओ इसके इंजन के साउंड को। और वाकई में इसके इंजन का साउंड इतना स्मूथ और इतना मक्खन कर दिया है कि कस्टमर गाड़ी को ले जा चुका है, डिलीवरी हो चुकी है गाड़ी की। अगर आप बोलो तो मैं फीडबैक वीडियो 500 किलोमीटर बना दूंगा। पहले आप साउंड सुन लो, उसके बाद बात करते हैं। जो साउंड है, इस साउंड को एकदम परफेक्ट है, सुपर स्प्लेंडर का मैच करा हुआ है, कस्टमर लेके गए। बाकी 500 किलोमीटर चलाने के बाद अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी सर्विस फीडबैक बना दूंगा, पर वो वीडियो मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।